ट्विंकल खन्ना का जन्मदिन अक्षय कुमार ने सेलिब्रेट किया। इस मौके पर अक्षय कुमार ने अपनी पत्नी के लिए जो कुछ भी कहा उसको देखने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि अक्षय भी अपनी पत्नी ट्विंकल से काफी परेशान है। दरअसल एक सोशल मीडिया पर वीडियो को साझा करते हुए अक्षय कुमार ने दिलचस्प कॉमेडी अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ की और इसी के साथ कैप्शन में जन्मदिन की बधाइयां भी दी है। वीडियो को देखने के बाद हर कोई इस वीडियो पर अपने प्यार भर रिएक्शंस दे रहा है। देखिए खास अक्षय कुमार इन दिनों अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना को लेकर काफी सुर्खियों में है। ट्विंकल खन्ना अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। इस मौके पर अक्षय कुमार ने अपनी पत्नी को बधाई दी, लेकिन उनको बधाई देने का अंदाज अक्षय का काफी फनी था। दरअसल ट्विंकल खन्ना के जन्मदिन पर अक्षय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें ट्विंकल खन्ना का दो रूप फैंस के साथ साझा किया गया है। वीडियो में ट्विंकल की सफेद ड्रेस में तस्वीर है, जिसके ऊपर टेक्स्ट में लिखा है, क्या देखकर मैंने शादी की थी। ये वीडियो आगे चलती है, जिसमें हल्क पुतले के आगे खड़ी होकर ट्विंकल फनी और अजीबोगरीब हरकतें करती हुई नजर आती हैं, जिसके बाद आगे के पार्ट में कैप्शन में लिखा जाता है कि असल में क्या निकली। इस तरीके से ट्विंकल खन्ना के शानदार लुक को दिखाते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई। वीडियो को फैंस काफी इंस्टाग्राम पर पसंद कर रहे हैं। ट्विंकल खन्ना के लिए कैप्शन में लिखा कि मेरे हल्क लंबे समय तक जीवित रहो। अपने हास्य के माध्यम से हमारे जीवन में इतने साल जोड़ने के लिए धन्यवाद ईश्वर, आपके साथ और भी कई साल दे। जन्मदिन मुबारक हो टीना। वैसे अक्षय कुमार ने बताया कि मजाकिया अंदाज काफी बेहतरीन है ट्विंकल खन्ना का। दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ मजाकिया अंदाज में नजर आते हैं, एक दूसरे से मजाकिया अंदाज में बर्थडे विश करते हुए भी दिखाई देते हैं। दोनों के बीच में हंसी मजाक का ये सिलसिला लोगों के बीच काफी ज्यादा आ चुका है। सोशल मीडिया पर भी दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। वल बात करें अक्षय की, तो आखिरी बार अक्षय कुमार को मिशन रानीगंज में देखा गया था। इस साल अक्षय कुमार की 3 बड़ी फिल्में रिलीज हुई, जिसमें सेल्फी, ओ माई गॉड 2 शामिल थी। सेल्फी पर्दे पर कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन OMG 2 से फैंस को प्यार मिला। वही बात करें मिशन रानीगंज की, तो इस फिल्म में अक्षय कुमार के काम की क्रिटिक्स ने खूब तारीफ की। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो खासा कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन फिल्म की कहानी को खासा सराहा गया। जल्द ही अक्षय कुमार कई और फिल्मों में नजर आने वाले हैं, जिसमें वेलकम टू द जंगल, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हेरा फेरी 3 शामिल है।